दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हैं। इस वीडियो को देखने से पहले ही हम आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च और स्टडी है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे पहले हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट या लॉस दोनों की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस, आप सभी का स्वागत करता हूं ट्वेल्व के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बेसिकली आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जहां पे कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एनालिसिस को एक ही प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। यस दोस्तों, अभी अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि अगर आपको डोमिनेंस चेक करना है बिटकॉइन का या अल्ट्स का, तो आप कहाँ जाते हो सकता है आप किसी वेबसाइट पे जाते हो। अगर आपको फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखना है तो आप दूसरी वेबसाइट पे जाते हो। आपको मल्टीपल चार्ट्स एक ही वेबसाइट पे देखना है तो आप तीसरी उसको जाते हो। और ऐसे करके न जाने हम कितने सारे टैब्स को ओपन करते हैं, कितनी सारी वेबसाइट को ओपन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके बाद अपना एक डिसीजन लेते हैं कि यस ये कौन में हमको जाना है या फिर नहीं जाना है। और इतनी सारी चीज़ों के बाद हमको बहुत सारे बुक मार्क्स करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक बार याद करना पड़ता है, और कई बार तो हम चीज़ों से को भूल भी जाते हैं, तो उससे थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए वेबसाइट लेके आया हूँ जिसका नाम है smartviewai.com, यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें एक ही पैकेज के अंदर मिलती हैं। प्लस यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि आपके टेस्ट, अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं पता तो आप डायरेक्टली टेस्ट देके वहाँ से सीख सकते हो, आप अपनी लाइब्रेरीज बना सकते हो, आप अपने चार्ट्स को एक मैनेज कर सकते हो ऑर्डर के में। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो हम चलते हैं यहाँ पर सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि आखिरकार ये वेबसाइट कैसे वर्क करती है और आपके लिए किस तरीके से यहाँ पर बेनिफिशियल हो सकती है। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देख सकते हो, यह smartviewai.com की वेबसाइट। इसके लिए आपको आना पड़ेगा www.smartviewai.com, आप इसके ऊपर आ सकते हो या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से भी यहाँ पे आ सकते हो। सबसे पहले दोस्तों, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कूपन कोड लर्न एंड अर्न। अगर आप इसको यूज करते हो तो आपको कुछ यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अब सबसे पहले तो इसके ऊपर आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर राइट कलर का जो साइनअप का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको रेफर आईडी देना है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वैसे ही ऑप्शनल, आप देना चाहे तो दे सकते हैं, ना देना चाहे तो। और उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स यहाँ पे भर के आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। जब आप दोस्तों अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो आप यहाँ पे यूजर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैं इसको कर लेता हूँ साइनअप, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर रखा है, तो मैं इसको करता हूँ साइन इन। साइन इन करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक पूरा पूरा डैशबोर्ड आ जाएगा, जहाँ पे कि आप देख सकते हो बिटकॉइन का फिलहाल में प्राइस रेट, और यहाँ से आप अलग अलग वैल्यूशन में देख सकते हो, यूएस डॉलर के अंदर या फिर INR के अंदर, यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप लाइन में देखते हो, कैंडल में देखते हो, OHLC में देखते हो, वो आपके ऊपर है। यहाँ से आपको दोस्तों आप देख सकते हो कि आपको कौन सी चीज़ का चाहिए। जैसे भी ये इंडेक्स का प्राइस है, आप चाहे तो बाइनेंस एक्सचेंज का भी प्राइस यहाँ से देख सकते हो। मैं इंडेक्स को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तो बाइनेंस पे भी क्या प्राइस चल रहा है, बिट फॉरेक्स और डिफरेंट डिफरेंट जो एक्सचेंजेस हैं, आप उनका डायरेक्टली यहाँ से देख पाएंगे। ये दोस्तों एक डैशबोर्ड है, आप इसमें जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी चीज़ें क्लियरली मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे लेफ्ट हैंड साइड में सारे, और यहाँ पे आपको आपका नाम भी मिल जाएगा, जो भी आप जिस आईडी से यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। सबसे पहले दोस्तों होम बटन, जहाँ पे आपको डैशबोर्ड मिलेगा जिसके ऊपर अभी हम हैं। नेक्स्ट है प्रोफाइल, जहाँ पे कि आप अपनी प्रोफाइल जो क्रिएट करेंगे उसको आप एडिट कर सकते हो। पासवर्ड है और रिफर से, अगर आप किसी को रिफर करना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, इसके अंदर एनालिसिस टूल, पहले हम ये बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें मार्केट हाइप चार्ट्स, मार्केट हाइप चार्ट्स यानी कि उस तरीके के चार्ट जो कि आपको बाय और सेल जो सिग्नल दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स को आप एक साथ देख सकते हो और इसमें कोई लिमिट नहीं होती, तो आप कितना भी कॉइन्स को यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे लगा के देख सकते हैं। फिलहाल में मेरा शायद नेट की वजह से लोड नहीं हो रहा है, तो आप ट्रेडिंग व्यू पे भी डायरेक्ट जा सकते हो या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे भी देख सकते हो जो भी चार्ट्स हैं उनके जो हाइप साइकिल है कि वो बाय दिखा रहा है या फिर सेल दिखा रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास कैंडल चार्ट। अगर आपको कैंडल स्टिक्स के ऊपर जो टेक्निकल एनालिसिस है वो करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चार्ट देख सकते हो, जो कि अगर आप ट्रेडिंग व्यू में नहीं देख पाते हो या फिर आपके पास पैकेज नहीं है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर वो सारे ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपको इनके साथ TA भी करना है, तो आप यहाँ से TA चार्ट्स के ऊपर आओगे तो आपको यहाँ पे ड्राइंग टूल्स और ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप इजीली इनके ऊपर यहाँ पर अपने ड्राइंग्स कर सकते हो, इस तरीके से अपने इंडिकेटर्स को यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर मेरे पास है बिटकॉइन का चार्ट इस पॉइंट पर, और उसके बाद यहाँ पर इथेरियम, देन मेरे पास है XRP, देन मेरे पास है BNB। और इस तरीके से आप जितने चाहे उतने यहाँ पे चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं। आप अपने खुद के पर्सनल यहाँ पर जो चार्ट्स आप यूज़ करते हैं, मतलब आप जिस कॉइन पे बाय आप कर रखा है उसको भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों आप ऐसे हिस्ट्रिकल प्राइस वॉल्यूम देख सकते हैं कि अभी हिस्ट्री में इनका जो कल परसों का जो वॉल्यूम था वो क्या है, कितना वॉल्यूम है, कौन से
जगह पे अभी क्या चेंजेस हुए हैं, वो सारी चीज़ आपको बिटकॉइन, इथेरियम, अलग अलग कॉइन्स का यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके साथ अगर हम बात करते हो आप मार्केट कैप देख सकते हो कि कौन सा कॉइन कितना मार्केट कैप यहाँ पे लेके बैठा हुआ है, उसका भी क्या फंक्शन यहाँ पे चल रहा है मार्केट में, अगर उसकी प्राइस है तो क्या चल रही है, आप डायरेक्टली यहाँ से सारे कॉइन्स की प्राइस देख सकते हैं, आप वेरिएशन उनमें कर सकते हैं। आप हीट मैप के ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आपको पता पड़ जाएगा कि कौन सा कॉइन अभी रेड है, कौन सा ग्रीन है, जैसा कि हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा मार्केट अप डाउन यहाँ पे होता है। देन फियर एंड ग्रीड इंडेक्स दोस्तों हमारे पास है यहाँ पर, कि अगर आपको फियर एंड ग्रीड इंडेक्स चेक करना है तो वो कब कितना था बिटकॉइन का, हालांकि यहाँ पे रहता है ज़्यादातर, और इसमें अगर आपको कुछ चीज़ें एडिट करनी है आप अपने हिसाब से रखना चाहते हो कि यस इस टाइम पे मेरे को ये चीज़ मिली, तो आप उसको यहाँ पे जाके एडिट भी यहाँ से कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली रिमूव भी उसको यहाँ से कर सकते हो। और नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे क्रिप्टो न्यूज़, क्योंकि आप लोगों को पता है कि न्यूज़ ढूंढने के लिए बहुत जगह जाना पड़ता है, तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे जितनी भी न्यूज़ होंगी अब वो सारे यहाँ पे मिल जाएंगी जो भी मार्केट में चलती रहती हैं, तो आपको एक ही जगह सारे के सारा पैकेज यहाँ पे मिलता है। इसके बाद दोस्तों आपके पास है यहाँ पे चार्ट कॉन्फ़िगरेशन का टाइप, आप चार्ट सेटिंग में आओगे तो यहाँ से आप एडिशनल चार्ट लगा सकते हो। जैसे आप देखेंगे तो अभी मेरे पास इतने चार्ट हैं और मैं इनमें से कुछ चार्ट्स को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ पहले, जैसे ये डबल डबल चार्ट्स मेरे पास आ गए हैं। ओके तो यहाँ से अगर आपको एक नया चार्ट बनाना है तो सबसे पहले आपको इस प्लस आइकन पे आना पड़ेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करिए, यहाँ पे आप नंबर डालिए, जैसे मैं डाल देता हूँ 7, और इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे ऑप्शन, आप लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसके बाद आप जो भी चार्ट देखना, जैसे मैं देखता हूँ पे DLT BTC का अगर मुझे चार्ट देखना तो मैं DLT BTC लिख देता हूँ। पेयर यहाँ पे मुझे डिफाइन करना होगा DLT BTC, उसके बाद मुझे कितना चार्ट चाहिए, कौन सा टाइम फ्रेम का, वो मैं यहाँ से लेता हूँ 4 आवर, और मैं यहाँ से इसको यस कर देता हूँ एंड इस प्लस के आइकन पर क्लिक करूँगा। आप देखिए यहाँ पर मेरा आ गया ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं आके आप इसको बाद में चेंज करना चाहते हो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको डिफरेंट चार्ट मिलेगा। और इसके बाद जैसे ही आप वापस से TA चार्ट्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे नीचे आप जैसे ही आएंगे यहाँ पे आपको DLT का चार्ट मिल जाएगा, यानी कि जितने भी चार्ट्स हैं उसके अंदर ये चीज़ यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। फिलहाल में थोड़ा सा स्लोली लोड हो रहा है मेरे नेटवर्क की वजह से, तो यहाँ पे आप देखिए चार्ट आपको मिल चुका है, अब आप इजीली इसके ऊपर एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से फिर आपको चीज़ें चेंज करने को मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप कितने भी चार्ट्स को यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इवेंट्स की, तो हमको पता है कि जब हमें कुछ कॉइन सेलेक्ट करने हो तो हम इवेंट वाइज करते हैं, तो हम यहाँ पर अपकमिंग इवेंट्स में जा सकते हैं, जो कि हमें ये बता देगा कि अभी आने वाले क्या क्या इवेंट्स है, कौन सा कौन क्या इवेंट लेकर आ रहा है, कैसे क्या चीज़ें होने वाली है। तो आप सारी की सारी इवेंट एक ही जगह पर यहाँ पे देख सकते हैं, और आप ज़्यादा देखने के लिए इसमें नीचे चेक कर सकते हैं ताकि आपको वो डेली यहाँ पे देखने को मिले। देन है दोस्तों ई लाइब्रेरी और लर्निंग। लर्निंग का मतलब है कि आपको अगर कुछ चीज़ नहीं पता तो आप डायरेक्टली टेस्ट ले सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ तो व्हाट डस P2P मीन, अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ से जो भी सिलेक्ट करेंगे वो आपको रॉन्ग या राइट बता देगा। जैसे कि आप KVC खेलते हैं तो मैं पीयर टू पीयर, नेक्स्ट उसके बाद ये नोट क्या होती है तो वो कंप्यूटर ब्लॉकचेन नेक्स्ट, तो इस तरीके से आप यहाँ पे जवाब देंगे और जो भी रिजल्ट्स होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इससे आपकी जो एनालिसिस करने के तरीके हैं, जो चीज़ आप नहीं जानते वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आप सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर एक्सक्लूसिव वीडियो का, जहाँ पे कि आपको TA की वीडियोस मिलने वाली हैं, कि TA की वीडियोस आखिरकार आपको कैसे हैं, क्या क्या चीज़ें आपको हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पढ़ सकते हो कि TA में आपको जो भी वीडियोज़ हैं। उसके बाद FA की वीडियोज़ यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस, देन है दोस्तों ऐसे यानी कि सेंटिमेंटल एनालिसिस की वीडियो, कि डायरेक्टली आप सेंटिमेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हो मार्केट के अंदर। और लास्ट है दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट टिकट की, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है तो आप डायरेक्टली इनके कंज्यूमर केयर से बात कर सकते हो और जो अपनी क्यूरीज है उनको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, और आपकी टिकट का स्टेटस क्या चल रहा है वो आप डायरेक्टली यहाँ से जान पाएंगे। और लास्ट में दोस्तों है लाइव ऑन, यानी कि मार्केट न्यूज़ की, मार्केट में क्या क्या न्यूज़ यहाँ पे चल रही हैं, किस तरीके के न्यूज़ हैं, वो डायरेक्टली आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वेबसाइट आपको पसंद आती है और आप इसको यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें आपको कुछ यहाँ पे पैकेजेस मिलेंगे, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा बाय सब्सक्रिप्शन के ऊपर, यहाँ से आप बाय पैकेज के ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बेसिक सब्सक्रिप्शन जो कि आपको $3.9 पर मंथ का यहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें कि आप ये सारे कंटेंट्स देख सकते हैं। और दूसरा दोस्तों यहाँ पे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जो कि आपको $9.9 पर मंथ पे यहाँ पे मिल जाएगा, और उसमें आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू बेसिक वाले से। और अगर आप इसको 6 मंथ के लिए ऑप्ट करना चाहते हो तो बेसिक सब्सक्रिप्शन है और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जिसकी प्राइस आप डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हो, तो ये आपको डायरेक्टली 6 मंथ के लिए यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर दोस्तों आपको ये वेबसाइट पसंद आती है तो आप जाके यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे कि आप पूरा के पूरे चार्ट के एनालिसिस एक ही जगह पे यहाँ पे कर पाएंगे। सो अगर दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, दोस्तों वीडियो अगर पसंद तो प्लीज़ दोस्तों करेगा लाइक, दोस्तों वीडियो पसंद है तो करेगा डिसलाइक, दोस्तों चैनल फर्स्ट आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप इसी तरह का इंटरेस्टिंग यहाँ पर पा सकें और पूरे मार्केट से आप अपडेट रह सकें। तो बस दोस्तों मिलता है आपसे वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।